हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जीआरएफ। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, एक लेटेस्ट अपडेट है। अपडेट ये है कि जिन्होंने भी सेट का एग्ज़ाम दिया था 2023 वाला, महाराष्ट्र सेट का एग्ज़ाम, उसकी ऑफिशियल आंसर की है वो आपके लिए जारी कर दी गई है। तो आप अपनी ऑफिशियल आंसर की चेक कर सकते हैं, अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। प्लस गाइज, आप अपने आंसर्स को चैलेंज भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी आंसर किसी सेटिस्फाई नहीं है तो उसको आप चैलेंज भी कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि कैसे आपको अपनी ऑफिशियल आंसर की को चेक करना है, प्लस उसको चैलेंज कैसे करना है, उसका क्या प्रोसेस होगा, वो सारी चीज है जो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो जितने भी लोग जिन्होंने सेट का एग्जाम दिया है वो सब लोग इस सेशन से जुड़ जाओ, और फटाफट से सबके साथ में इसको शेयर भी कर दीजिए जिससे कि बाकी स्टूडेंट को भी हेल्प हो सके। तो आज हम जानेंगे कि महाराष्ट्र सेट आंसर की को चेक कैसे करना है, उसको चैलेंज कैसे करना है, और सब लोग क्लास के बाद में अपने मार्क्स जरूर मुझे बताना जिससे कि हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसको जारी कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का अनुमान लगा सके। चलो तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले तो देखो आपको क्या करना है, आपको जाना है सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है इसके ऊपर आपको जाना है। इस पर क्लिक आप कर दीजिएगा, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट ये आपके सामने आ जाएगा। और थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए द एंट्रीम आंसर की जो सेट एग्जाम हुआ था 26 मार्च को, उसके आंसर की आपके लिए जारी कर दी गई है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपका आंसर किस है। तो इसमें देखो पेपर वन प्लस पेपर टू दोनों के आंसर की है वो आपके लिए यहाँ पे लगाई गई है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पेपर वन के आंसर की है, इस पर आप करेंगे क्लिक तो ये पेपर वन के आंसर की है। जो बुकलेट कोड ए है जो 26 मार्च को हुआ था उसकी क्या है आंसर की है। ये सारे आंसर्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। जिस जिसने आंसर आपका दिया है, जिस जिसने ये पेपर दिया है, सब अपना स्कोर है वो मुझे कमेंट करके भी बताना कि आपका पेपर वन में कितना स्कोर बन रहा है। पेपर वन का देखने के बाद आप क्या करेंगे कि पेपर टू का देखेंगे। ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, इन सब की आंसर की आपको यहाँ पे दी गई है। ठीक है, अपने ये जैसे स्टार्टिंग में आपको मराठी की दी गई है, मराठी के बाद में आपका जो आंसर की है वो जैसे इंग्लिश का आंसर की है, ऐसे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब की आंसर की है वो आपको दी गई है। तो 124 पेजेस की पीडीएफ है, इसमें आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं उनके आंसर के मिल जाएंगे। कुछ तो सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिकल साइंस, ये बुकलेट ए बी सी, इसके आपको अलग से आंसर की दी है, इसको आप चेक कर लीजिए। तो एक प्रोसीजर है आपको आंसर की चेक करने का। अब सवाल आता है कि सर इसको चैलेंज कैसे करना है। तो चैलेंज करने का प्रोसीजर क्या है, देखो कुछ 2-3 दिन पहले ही एक नोटिस जारी किया गया था महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो इसने बोला गया था कि आपकी जो विंडो ओपन रहेगी वो 24 अप्रैल से लेके, और कब तक आपकी ओपन है, कब तक आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, आप 3 मई तक इसको चैलेंज कर सकते हैं, यानी 24/4/2023 से लेकर और आप 3/5/2023 तक इसको क्या कर सकते हैं चैलेंज, यानी 24 अप्रैल से 3 मई तक इसको आप क्या कर सकते हैं चैलेंज कर सकते हैं। इसके बाद इसको आप चैलेंज नहीं कर पाओगे, तो ये आपके लिए विंडो ओपन किया गया। अब बात आती है कि सर इसको हम चैलेंज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ठीक है, आपको जो भी आप फीडबैक है, जो भी आप आंसर की को चैलेंज करना चाह रहे हैं वो आप कैसे करेंगे, ऑनलाइन मोड में करेंगे पहली चीज। तो ऑफलाइन मोड में आपका नहीं होगा, आप सब लोग ये बात ध्यान रख लीजिए, ऑनलाइन मोड में ही आप अपने आंसर्स को क्या कर सकते हैं चैलेंज कर सकते हैं, पहली चीज तो आपको ये रहता है। दूसरा चीज कि आपको जितने भी क्वेश्चन हैं जो चैलेंज करने हैं उनका नंबर लिखना पड़ेगा एवरीवन, प्लस उनका जो एविडेंस है वो प्रॉपर एविडेंस आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको देना पड़ेगा। और हर एक क्वेश्चन के लिए जो फीस रखी गई है वो रखी गई है आपकी 1000 रुपये पर क्वेश्चन। तो भाई जो भी आप आंसर करो थोड़ा सोच समझ के करना, पैसे बहुत ज्यादा है, तो 1000 रुपीज पर क्वेश्चन इन्होंने रखा है जो कि ज्यादा ही है ना। अक्सर हम 200 देखते हैं, नेट का भी 200 रखते हैं, लेकिन यहाँ पे 1000 रुपये रखे हैं। तो आप सोच समझ के इसको अपना आंसर है उसको चैलेंज कीजिएगा, अपना प्रॉपर एविडेंस है जो पीडीएफ है उसको चैलेंज कीजिएगा। बाकी हम भी आपकी थोड़ी हेल्प करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन को इसमें चैलेंज अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज है जो आपके लिए अवेलेबल है, वेबसाइट पे जाके आप जरूर चेक करते रहेगा। ठीक है, सावित्री फुले पुणे यूनिवर्सिटी पे जाके आप प्रॉपर इसका पूरा गाइडलाइन आपको दिया है उसको आप जरूर चेक कीजिए। ठीक है, इसके अलावा गाइज अगर आप नेट और सेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप जेआरएफ ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, और आपके लिए पेपर वन और पेपर टू, ठीक है,
दोनों का कोर्स है वो आपके लिए अवेलेबल है। और पेपर टू जिसका हिस्ट्री है, मैं आपको हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा नेट और सेट का। इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है नेट और सेट के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर वन प्लस पेपर टू दोनों आपको यहां से मिलेगा। अब जिनका नेट क्लियर हो गया है, सेट क्लियर हो गया है, वो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर सकते हैं गाइस, जनरल पेपर थ्री की। इसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर, प्रिंटेबल पीडीएफ, गाइडेंस प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज, ये सब के सब आपको मिल जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर थ्री के लिए। तो जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है इन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप हिस्ट्री के नोट्स चाहते हैं हिंदी प्लस इंग्लिश में, तो दोनों में आपके लिए ये जो नोट्स हैं ये अवेलेबल हैं, तो इन नोट्स को भी आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है, हेल्पफुल रहा है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। कोई भी आपके डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप मुझे बताना। अपने मार्क्स आप सब लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके टोटल मार्क्स कितने हो रहे हैं, जब जिससे कि हम एक कट ऑफ है वो जारी कर सकें। तो गाइज दिस इज ऑल फॉर टुडे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर।